हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मल्टीपर्पस फ्लेवरफुल एंड टेस्टी शेजवान चटनी और उसके साथ डिफरेंट टाइप की शेजवान चाट। अगर शेजवान चटनी रेडी है तो बहुत आसान हो जाता है कोई भी शेजवान चाट बनाना। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं शेजवान चटनी। यह हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, कोरिएंडर स्टेम, जिंजर, गार्लिक, टमाटो केचप, ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। सबसे पहले रेड चिल्ली को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे बॉईल कर रहे हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं और इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये अच्छे से मैशी ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 होल गार्लिक, उन्हें भी साथ में ही बॉईल करेंगे और इसको कवर करते हुए हम इसको बॉईल कर रहे हैं। और बॉईल होने के बाद हम इसको ठंडा करके अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी करेंगे, एकदम फाइन पेस्ट। ये देखिए, इस तरह से हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई ले रहे हैं और कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। यहाँ गैस फ्लेम हाई कर देते हैं हम और इसको फटाफट से भूनते रहेंगे। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इसे, बस हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए, रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप ग्रीन चिल्ली और साथ में ऐड कर रहे हैं चॉप कोरिएंडर स्टेम। आप देख सकते हैं कोरिएंडर स्टेम से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिली पेस्ट जो हमने अभी रेडी किया था। इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रखेंगे इस टाइम पर गैस फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसको जिंजर, गार्लिक और कोरिएंडर स्टेम के साथ बहुत अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर छींटे पड़नी शुरू हो जाती है तो इसको कवर करते हुए हम इसे भूनेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से भूनना शुरू हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ध्यान रखेंगे कवर करते हुए भूनेंगे। ये देखिए, अच्छे से भून चुका है हमारा चिली पेस्ट। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी शुगर, सॉल्ट साथ में ऐड कर रहे हैं हम विनेगर और टमाटो केचप। अगर टमाटो केचप आपके पास नहीं हो तो यहाँ पे टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं और इन सब को मिक्स करते हुए थोड़ा सा और भून लेते हैं हम, जिससे ये सारी चीजें हमारे चिली पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर बहुत अच्छा आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो रेडी हो गई हमारी शेजवान चटनी। तो अब हम बनाएंगे शेजवान आलू चाट। और शेजवान आलू चाट बनाने के लिए हमने लिए 1/2 boiled potatoes, कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड जिंजर, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट एंड गार्निशिंग के लिए हमने लिए हैं सेसमी सीड्स। सबसे पहले हम इन पोटैटोज में ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इन सारे आलू को अच्छे से कोट करेंगे। हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं वाटर। ये देखिए, अच्छे से कोट हो चुका है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको 1 by 1 अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करते टाइम ये अंदर से भी पक जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसकी आउटर लेयर को हमें क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी हो चुकी है ये देखिए, बहुत बढ़िया हो चुकी है आलू हमारे रेडी। अब इसको हम डायरेक्ट एक पैन में निकाल लेते हैं, इस तरह से ऑयल साइड से निकालते हुए, और इसी पैन में हम बनाएंगे आलू चाट। देखिए, आलू बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इस पैन में हम ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी, थोड़ी सी चॉप्ड जिंजर
और ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे आलू बहुत अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, फटाफट से बन गई हमारी शेजवान आलू चाट। और सेम इसी मेथड से हम बना रहे हैं शेजवान मशरूम चाट और शेजवान पनीर चाट। ये हम थोड़ा सा गार्निश कर रहे हैं सेसमे सीड से। तो देखिए, फटाफट से रेडी हो गई हमारी शेजवान आलू चाट। इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया लग रही है हमारी शेजवान आलू चाट, मशरूम चाट एंड पनीर चाट। और सिर्फ चाट ही नहीं, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है हमारे पराठा के साथ, डोसा और इडली के साथ भी।